Good morning, student. Good morning, our online class of Azimuthan School. Hello, everyone. Dear students, you all of know it very well that the school is providing online classes for you. So today we will start chapter 1 from your first book for class 9. All of you know that you have two books. Your first book's name is Beehive and second book is Moments. So we will start up your first book or first chapter. So let's start. All of you student, open your book. सारे बच्चे अपने अपने book को open कर लेंगे. आपकी 9th class का जो first book है और जिसका नाम है Beehive और इसका chapter number 1, The Fun They Had. इस chapter को आप सारे बच्चे open करेंगे और जैसे जैसे मैं आपको read करके बताऊंगी, आप बहुत ही carefully, ध्यानपूर्वक उसको listen करोगे. और जो भी आपके वर्ड्स आपको नहीं समझ में आए, मैं आपको एक एक वर्ड का मतलब समझाऊंगी. आप उसको अच्छे से अंडरलाइन करते हुए अपने नोटबुक में भी लिख सकते हो. तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट. द फन दे हैड, जिसका हिंदी में मतलब है आनंद जो वो लेते थे. यहाँ पर आपके दिया हुआ है इस चैप्टर में, बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड सेट इन फ्यूचर वेयर बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. कहने का मतलब, ये जो चैप्टर है यह फ्यूचर के जो स्कूल्स हैं, यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हो. इस डायग्राम में जो फ्यूचर है उसमें कैसे स्कूल होगी उसके बारे में बताया गया है. देखिए हम एक बार ध्यान से इसको, किस प्रकार से लर्निंग जो है वो कंप्यूटर के द्वारा किया जा रहा है. आपके जो टीचर है वो रोबोटिक है. जो क्लासरूम्स है वो वर्चुअल है. वर्चुअल क्लासरूम का मतलब होता है अपना खुद का एक अलग से क्लासरूम. और जितने भी ई टेक्स्ट है, जैसे कि आपकी ये टेक्स्ट बुक है जिसमें आपके सारे वर्ड्स स्टिल रहते हैं, लेकिन जो फ्यूचर की स्कूल होगी वो कंप्यूटराइज्ड होगी. तो उसमें सारे जो वर्ड्स है, ई टेक्स्ट है, वो आपके मूव करेंगे, मूविंग करते रहेंगे. तो इस प्रकार से ये क्लासरूम दिया गया है, यहाँ पे स्कूल के बारे में बताया गया है. तो द फन दे हैड, आनंद जो वो लेते थे, वह लोग कह रहे हैं जो पिछले ज़माने की स्कूल के बारे में, जिनको पता चला कि स्कूल कैसी होती थी, इसी बारे में यह चैप्टर है. कैसा है वो हम रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो ये आपने डायग्राम देख लिया होगा. इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है कि इस चैप्टर में फ्यूचर की स्कूल के बारे में बताया गया है, जहाँ पे व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. जहाँ पे हम बुक्स और स्कूल जिनको जिस प्रकार से जानते हैं, शायद ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं रहेगा. हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, बच्चे तब कैसे रीड करेंगे, कैसे स्टडी करेंगे, ये जो डायग्राम है इसके थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. कैसे स्टडी कर रहे हैं ये, थ्रू कंप्यूटर्स, थ्रू रोबोटिक टीचर, थ्रू वर्चुअल क्लासरूम और मूविंग ई टेक्स्ट के द्वारा. तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट. हम इस चैप्टर को अब स्टार्ट करेंगे. आई होप आप सारे बच्चों ने अपने अपनी बुक को ओपन कर ली होगी. मार्गी Even wrote about in that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." Margie ne us raat, Margie even wrote about in that night in the her diary. Margie ne us raat apni diary mein iske bare mein likha. On the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." और यह जो पेज था जिसके ऊपर 17 मई 1957 लिखा था, उसने लिखा, आज टॉमी को एक वास्तविक बुक यानी पुस्तक मिली. It was a very old book. वह एक बहुत ही पुरानी किताब थी. मार्गी's grandfather once said, मार्गी के grandfather यानी मार्गी के दादाजी ने उसे एक बार कहा भी था कि when he was a little boy, कि उसके दादाजी ने क्या कहा था कि जब वे खुद एक छोटे लड़के थे,
हिज ग्रैंडफादर यानी उसके ग्रैंडफादर ने उनको यह बताया कि उन्होंने उनको ये बताया था कि एक समय था दैट देयर वाज अ टाइम एक ऐसा समय था व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर के एक ऐसा समय था जब सारी की सारी जो कहानियाँ होती थी वह कागज़ पर छापी जाती थी दे टर्न द पेजेस विच वेयर येल्लो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज एयरफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन यू नो And then, when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time. तो स्टूडेंट आप देख सकते हो कि पैराग्राफ वाइज आपका ये जो चैप्टर है वो क्लियर किया गया है. पैराग्राफ नंबर वन अभी हम रीड कर रहे हैं. तो अब यहाँ पे क्या लिखा है दे टर्न द पेजेस वे पृष्ठों को यानी कि जो पेजेस हैं उनको वो है पलटा करते थे विच वेयर येल्लो एंड क्रिंकली जो पीले और सलवट वाले हुआ करते थे एंड इट वॉज एयरफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू और वह जो शब्दों को पढ़ना बेहद मजाकिया यानी बहुत फनी हुआ करता था जो आपको पता है हिलने के स्थान पर इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे हिलने के स्थान पर जैसा कि स्क्रीन पर होता है शांत स्क्रीन पे क्या होते हैं वर्ड्स क्या होते हैं शांत होते हैं एक तरफ बिल्कुल कम्प्लीटली है ना पुट आउट किए हुए होते हैं उसी प्रकार उन्होंने बताया कि हिलने के स्थान पे जैसा कि स्क्रीन पर होता था उसके बजाय ये जो सारी कहानियाँ थी वो क्या होती थी शांत हुआ करती थी जब वह पहले वाला पेज पलट कर देखते थे तो क्या होता था उस पर वही शब्द होते थे जो पहले भी थे जब उन्होंने उसे पहली बार पढ़ा था. तो आपको समझ में आ गया. एक बार मैं आपको फिर से रीड करके बता देती हूँ. दे टर्न द पेजेस विच वे येल्लो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज ए फुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वी आर सपोज टू ऑन स्क्रीन यू नो एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट एंड दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम वे उन पेजेस को पलटा करते थे जो पीले और सलवट वाले हुआ करते थे और शब्दों को पढ़ना बेहद ही मजाकिया हुआ करता था जो आपको पता है हिलने के स्थान पर जैसा कि स्क्रीन पे होता है शांत ठहरे हुए थे और जब वे पहले वाला पेज पलट कर देखते थे तो उस पर भी वही शब्द होते थे जो पहले से वहाँ पे मौजूद थे जब उन्होंने उसे पहली बार पढ़ा था यानी कि यहाँ पे उस बुक के बारे में बताया गया है जैसी बुक हमारे पास आज मौजूद है. सेकंड पेरा गी सेड टॉमी व्हाट ए वेस्ट व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक्स यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर आई वुडंट थ्रो इट अवे. तो यहाँ पर टॉमी ने कहा गी क्या बर्बादी है व्हाट ए वेस्ट जब आपने बुक आपने वह जो किताब पढ़कर समाप्त कर ली तो उसे फेंक देते थे जैसे कि होता है ना कि हमने बुक को वन ईयर पूरा रीड कर लिया पढ़ लिया नेक्स्ट ईयर हम न्यू क्लासेस में जाते हैं हमारे पास नई किताबें आ जाती है तो हम क्या करते हैं इन पुरानी किताब को फेंक देते हैं या किसी रद्दी वाले को दे देते हैं. आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर आई वुडंट थ्रो इट अवे. तो टॉमी ने कहा हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर 10,00,000 पुस्तकें होंगी और इस पर बहुत से पुस्तकें आ सकती हैं मैं उन्हें नहीं फेंकूंगा. सेम विथ माइंड सेड मार्गी शी वॉज 11 एंड हैडन सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड ही वॉज 13. ऐसा ही मेरे साथ है सेम विथ माइंड सेड मार्गी मार्गी ने कहा सेम विथ माइंड ऐसा ही मेरे साथ है. शी वॉज इलेवन वह 11 वर्ष की थी और उसने इतनी टेली बुक्स. यहाँ पर मार्गी और टॉमी जो कि बैठ के बातें कर रहे हैं उन टेली बुक्स के बारे में
तो अभी मार्गी ने क्या कहा? मार्गी ने कहा कि ऐसा ही मेरे साथ है, और उसे भी ऐसा ही लगता था। मार्गी जो कि 11 वर्ष की थी, उसने इतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी देख चुका था। वह 13 वर्ष का था, ही वॉज 13। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? मार्गी ने कहा, तुम्हें यह किताब कहाँ से मिली? उसने टॉमी से पूछा। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। व्हाट इट अबाउट स्कूल? तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इन माई हाउस। जब मार्गी ने टॉमी से पूछा कि तुमको ये किताब कहाँ मिली, तो टॉमी ने बताया कि ये किताब मुझे मेरे घर पर मिली। उसने बिना देखे उत्तर दिया क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। अटारी में, एटिक जिसको अटारी कहते हैं, अटारी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे रूफ होती है, छत होती है, और बैठने उठने सोने के लिए एक स्थान बना हुआ होता है। तो वो अटारी में थे और वो वहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे। तो यह जब मार्गी ने टॉमी से पूछा कि तुम्हें ये किताब कहाँ मिली, तो उसने बिना मार्गी को देखे उत्तर दिया क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। अब मार्गी ने पूछा कि व्हाट्स इट अबाउट, ये किताब जो है किसके बारे में है? तो टॉमी ने कहा स्कूल की, ये किताब किसके बारे में है? स्कूल के बारे में। थर्ड पैराग्राफ, मार्गी वाज स्कॉर्नफुल। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। मार्गी जो कि अभी जैसे ही उसने उसको पूछा, टॉमी से उसने बात की, टॉमी से उसने जैसे ही इस बारे में पूछा, तो उसने जब जवाब दिया, मार्गी जो कि अब बिल्कुल स्कॉर्नफुल, जैसे ही टॉमी ने बताया कि यह किताब स्कूल के बारे में है, तो वो बिल्कुल स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल का मतलब होता है बिल्कुल नफ़रत से भर जाना। तो मार्गी एकदम नफ़रत से भर गई और उसने कहा स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? कि ऐसा क्या है जो विद्यालय विद्यालय के बारे में लिखा हुआ है? विद्यालय के बारे में लिखने वाले इसमें ऐसी कौन सी बात थी? आई हेटेड स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्ड्स एंड वर्ड्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी जो सब में हमेशा स्कूल से नफरत किया करती थी, लेकिन आजकल वह पहले से अधिक नफरत करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर, उनका उसका जो मैकेनिकल टीचर जिसे हम रोबोट कह सकते हैं, वह उससे पहले से अधिक भूगोल में, यानी उसका जो ज्योग्राफी सेक्टर था उसके ऊपर वह टेस्ट पे टेस्ट लिए उसको दिए जा रहा था। और जब वह बहुत ही ज़्यादा वर्ड्स एंड वर्ड्स, वर्ड्स का एंड वर्ड्स का मतलब होता बुरा, उससे भी बुरा, यानी बुरे से भी बुरा, जिसे हम वन वर्ड में कहे तो बदतर, तो वो बदतर किए जा रही थी। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हैड सॉरोफुली, और जब उसकी माँ दुखी होकर, वो अपना सिर उसने नहीं झटका तब तक, उसने जो मार्गी थी उसने उसकी काउंट, वो जो उसका टीचर था जिसको हम कह सकते हैं रोबोट, उसकी बात को उसने जब तक नहीं समझा, उसकी माँ भी उसके हेड को शेकन, यानी उसने अब उसकी माँ ने भी बहुत ही बुरी तरीके से उसके हेड को शेकन कर दिया, हिला दिया, झटका दे दिया, और उसको उससे एक काउंटी इंस्पेक्टर को, यानी काउंटी इंस्पेक्टर किसे कहते हैं, जो कि निरीक्षण का मतलब अधिकारी होता है, यानी जो उन सारी चीज़ों को निरीक्षण करता है, उसको उसने जब तक नहीं बुला भेजा था। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस एंड ए हॉल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। अब वह जो काउंटी इंस्पेक्टर था, वह एक छोटे कद का लाल मुंह वाला गोल मटोल सा आदमी था, और उसके पास सारे औजार थे। उसका उसके पास तारों और डायलों से भरा एक बॉक्स भी था। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वह मार्गी की तरफ उसने स्माइल की, मार्गी की तरफ वह मुस्कुराया, और गेव हर एन एप्पल, और उसने मार्गी को एक एप्पल भी, यानी एक सेब भी दिया। देन टुक द टीचर ए पार्ट, मार्गी हैड हॉप द मार्गी हैड हॉप्ड, ही वुडेंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन।
but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. अब जो मार्गी जिसके सामने अभी वो काउंट इंस्पेक्टर था, then took the teacher apart. तत्पश्चात अध्यापक के जो उसने उसकी तरफ देखा, मार्गी जो उसकी तरफ बहुत ही चुपचाप उसके सामने बैठी थी, उसने मार्गी को उस काउंट इंस्पेक्टर ने सेव दिया. तत्पश्चात उसने अध्यापक के पुर्जों को यानी उस रोबोट के पुर्जों को खोल दिया. मार्गी को आशा थी कि उसे उन्हें वापस जोड़ना नहीं आएगा, परंतु उसे अच्छी तरह से उस काउंट इंस्पेक्टर को उस रोबोट के पुर्जों को अच्छे से खोलना और उसको बंद करना आता था, यानी कि वह उस रोबोट का कार्य बहुत अच्छे से करता था, क्योंकि उसका वही काम था. उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि होता ना, वो तो एक मैकेनिकल था, तो ये जो रोबोटिक वगैरह क्या होती है, ये मशीन होते हैं, उन मशीन में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है. तो उस काउंट इंस्पेक्टर यानी वह जो निरीक्षक था, उसको मतलब बुलाया गया था मार्गी के माँ के द्वारा. और उसको मार्गी ने जब देखा कि वह उसको ठीक करने के लिए आया है, तो मार्गी को लगा कि वह उसके पुर्जे को खोल तो दिया, लेकिन शायद वह उसे बंद नहीं कर पाएगा. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था. मार्गी के जो रोबोट जो उसका टीचर था, उसको उसके सभी पुर्जे खोल दिए गए थे. और उसके बाद वह अच्छी तरीके से उसको वापस रोबोट को तैयार कर दिया गया, और एक घंटे बाद अब वह अपनी उसी अवस्था में था. देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, उसी प्रकार से वह बड़ा सा, काला सा और दिखने में भद्दा सा वो रोबोट खड़ा हो चुका था, विथ ए बिग स्क्रीन और विच ऑल द लेसन्स वेयर शॉन एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्ड. और उसी स्क्रीन के साथ वहाँ पे जो उसकी स्क्रीन दी हुई थी, बहुत ही बड़ी सी थी, जिस पर सभी लेसन्स दर्शाए गए थे, दिखाए गए थे और प्रश्न पूछे गए थे. दैट वॉजंट सो बैड. और वह हालांकि जो उसके साथ अभी ये जो कार्य हुआ था, वह बहुत बुरा नहीं था. द पार्ट मार्गी हैड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड नोट पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर. शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम एंड इन ए पंच कार्ड. दे मेड हर लर्न when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. तो यहाँ पे आगे क्या बताया गया, मार्गी को जिस पार्ट से सर्वाधिक घृणा थी, सबसे ज़्यादा उसको बुरा लगता था, वह था उसका होमवर्क का पार्ट. एक ऐसा खांचा था जहाँ उसने अपना गृह कार्य और अपने जो सारे टेस्ट पेपर्स थे वह रखे हुए थे, उसे उनको सदैव हमेशा क्या है, सांकेतिक भाषा में भी लिखना पड़ता था. और उसका यह जो गृह कार्य होता था, यांत्रिक अध्यापक यानी वह जो रोबोट था, बिना समय गंवाए अंकों की गणना वह उसके टेस्ट पेपर के कर दिया करता था. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हैड. वो जो इंस्पेक्टर था, उस वो मुस्कुराया जब उसने अपना काम फिनिश कर दिया, उसने मार्गी के सर को थपथपाया. ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स. और उस काउंट इंस्पेक्टर ने मार्गी की मदर को कहा कि यह इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है, मिसेस जॉन्स जो कि मार्गी की मदर थी. आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक. उसने कहा कि मेरे विचार से भूगोल विभाग का जो तालमेल में थोड़ी तेजी आ गई थी. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. एंड ही पैटेड मार्गीज हैड अगेन. तो उस काउंटी इंस्पेक्टर ने उस रोबोट को तैयार करने के बाद मार्गी की मदर को कहा कि मिसेस जॉन्स, इसमें इस छोटी लड़की की कोई दोष नहीं है, मेरे विचार से भूगोल विभाग का ये जो भाग है उसके तालमेल में थोड़ी तेजी आ गई थी. ऐसी बातें कभी कभी ही हो जाती है.
मैंने इसे इसके 10 वर्ष के लेवल के स्तर पर रेडी कर दिया, क्योंकि मार्गी जो थी वो अभी कितने ईयर्स की थी, वो 11 ईयर्स की थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको रेडी कर दिया है। और वास्तव में इसकी प्रगति का तरीका जो है कुल मिलाकर संतोषजनक है। और ये उसने बताया कि यह जो उसका सिस्टम है वह बिल्कुल ओवरऑल पैटर्न में था, जो कि बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है। एंड पैटेड मार्गीज हैड अगेन, और उसने फिर से मार्गी का जो सर था फिर से वह थपथपाते हुए आगे की ओर बढ़ गया। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी जो थी अब बिल्कुल निराशा से भर चुकी थी। She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. मार्गी निराश थी, वह आशा कर रही थी कि वह अध्यापक की पूर्णतया बाहर निकाल देंगे, यानी उस अध्यापक को कम्प्लीटली वो आउट कर देंगे। उन्होंने टॉमी के अध्यापक की लगभग 1 महीने बाहर निकाले रखा था, क्योंकि इतिहास विभाग भी एक बार पूर्ण यानी कम्प्लीटली क्या हो गया था, उसका सफाया हो गया था, ब्लैंक आउट हो गया था, तो 1 मंथ के लिए टॉमी को पढ़ने से आज़ादी मिल गई थी। तो मार्गी भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी। So she said to Tommy, why would anyone write about school? तो मार्गी ने टॉमी से कहा, कोई विद्यालय के बारे में क्यों लिखेगा? टॉमी लुक्ड एट हर, पैराग्राफ नंबर 6 पे ध्यान दोगे, टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो, ही एडेड लाफ्टिली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो। टॉमी ने जब मार्गी की यह बात सुनी तो उसकी तरफ बहुत ही उसने सुपीरियर आइज यानी गर्वित नज़रों से देखा और कहा कि बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि हमारी तरह का विद्यालय नहीं है, स्टूपिड मूर्ख, यह पुरानी तरह का विद्यालय है, यह ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, और ऐसा जो शताब्दियों मतलब सैकड़ों वर्षों पूर्व ऐसा हुआ करता था, सैकड़ों साल पहले ऐसी स्कूलें हुआ करती थी। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और फिर उसने कहा कि नहीं, उसने गर्व से आगे कहा, शब्दों को बहुत सावधानीपूर्वक उसने उच्चारण करते हुए कहा कि नहीं, सेंचुरीज एगो, कि शताब्दियों पूर्व ऐसी स्कूल हुआ करती थी। मार्गी वाज हर्ट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम एगो, शी रीड द बुक ओवर द शोल्डर फॉर अ व्हाइल देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर। मार्गी इस बात को लेके हर्ट यानी उससे वो आहत हुई और उसने कहा, अच्छा मुझे नहीं पता वर्षों पहले किस प्रकार से स्कूल हुआ करते थे। उसने उसके कंधे के ऊपर देखते हुए उस पुस्तक को पढ़ा, देन सेड, और फिर कहा, दे एनीवे दे हैड ए टीचर, उसने फिर से कहा कि उनका भी एक अध्यापक हुआ करता था, यानी जो कुछ भी हो स्कूल तो होती थी ना, और उनका भी एक अध्यापक तो हुआ ही करता था, क्योंकि वो अपने अध्यापक से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ती थी, क्योंकि वो एक रोबोट था जो उसको बहुत ज़्यादा वर्क देता था, उसको टेस्ट पे टेस्ट दिया करता था, जिसकी वजह से मार्गी इस पढ़ाई से रिलेटेड जो उसका वर्क होता था उससे नफरत किया करती थी। श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉज़न्ट रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन, हाउ वुड ए मैन बी ए टीचर, वेल ही जस्ट टॉल द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गैव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। तो जो टॉमी था उसने बताया, अवश्य वे एक अध्यापक रखते थे लेकिन यह सामान्य अध्यापक नहीं होता था, वह एक मानव था, इट वॉज ए मैन, हाउ वुड ए मैन बी ए टीचर। तो मार्गी ने आश्चर्य के साथ पूछा, एक मानव अध्यापक कैसे हो सकता था? तो उसने कहा, टॉमी ने कहा, वेल ही जस्ट टॉल द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। तो टॉमी ने मार्गी को बताया कि ठीक, वह लड़के लड़कियां कुछ बातें बताया करता था और वह उन्हें गृह कार्य दिया करता था और उनसे प्रश्न पूछता था। तो स्टूडेंट, आज हमने यह जो चैप्टर है फर्स्ट आपकी फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड, वो उसके हमने 6 पैराग्राफ तक हमने इसको रीड किया है। आई होप आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।
आपका जो आगे का आपको वीडियो सेंड किया जाएगा, आपके पास जो वीडियो आएगा उसमें आपके इस चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा और शॉर्ट फॉर्म में फिर से इस चैप्टर को एक बार रिपीट कर दिया जाएगा ताकि आपको फिर से समझने में आसानी हो। और अभी तक आपने जितना हमने आपको पढ़ाया है उसको आप बार बार रिवाइज करोगे, उसको लिसन करोगे, उसको सुनकर चैप्टर को समझोगे। सो गुड बाय।